आज लास्ट रोजा है, इफ्तार की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे देखिए आज हम बिरयानी बना रहे हैं, चिकन बिरयानी। और यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भिगाने के लिए डाले हैं, जैसे हर साल डालती हूँ। तो मैंने यहाँ पे गर्म पानी में डाले हैं, देखिए। तो यहाँ पे मैंने बादाम और खारी डाला है, यहाँ पे पिस्ताचू डाला है, यहाँ पे काजू और यहाँ पे चारों डाले हैं। अखरोट में नहीं डालती हूँ भिगोने के लिए। और अभी बाकी का भी नारियल का दूध और खसखस का दूध बनाना है, तो इसको हम अभी बाद में इफ्तार के बाद में छूलेंगे और फिर कटिंग करके फ्राई करके फ्रिज में रख देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स थोड़े ही डाले क्योंकि शीरकुरमा मेरे को थोड़ा ही करना है। तो उसके बाद में मेरा पैकिंग शुरू हो जाएगा क्योंकि मुझे शादी के लिए जाना है मंडे को गाँव को, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही बना रही हूँ शीरकुरमा या बिरयानी, इसलिए मैं ड्राई फ्रूट्स कम ही डाला है। और अभी भी लास्ट रोज़ा है रमज़ान महीने का, और एक महीना पूरा आदत हो गई थी अच्छे से, तो फिर से रूटीन चालू हो जाएगा अपना। और ये रमज़ान महीने को अभी अलविदा करना पड़ेगा, मिस यू। बहुत अच्छे से रूटीन बैठा था, सुबह में जल्दी उठो, सहरी करो, दिन भर पूरा प्यास भूख कुछ नहीं, बस क्या बोलो अभी। और फिर चलिए अभी बिरयानी बनाते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बिरयानी के लिए चार पीस लेके आए हैं, दो लेग पीस है, दो मुझे करमन को एक लेग पीस, अनिस को और उसके पापा को ड्रमस्टिक है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से क्लीन हो चुका है, बस इतनी की बिरयानी बनेगी आज। ये देखिए आधा किलो चावल और आधा किलो चिकन। A few moments later. यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी बिरयानी रेडी है, बिल्कुल खिली खिली बनी है एकदम बिरयानी। यहाँ पे कलर भी देखिए कितना मजेदार आया है। Few inches later. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी शीरकुरमा की मसाले की तैयारी चल रही है। यहाँ पे बादाम और खारीक, इनको अभी चॉप करना है छील के। तो यहाँ पे चालू है अभी काम, अभी बहुत काम बाकी है। फर्स्ट बादाम छील रहे हैं, अभी बाकी चावल वगैरह है, दूसरा भी है, तो ये चॉप किए हैं। तो चलिए फिर फटाफट से काम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमने अच्छे से ड्राई फ्रूट्स के छिलके निकाल लिए ऊपर के साथ, और अच्छे से चॉपिंग किया है, कितना फाइन चॉपिंग किया है देखिए। ये देखिए बादाम, खारीक, काजू और पिस्ता। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से चॉप किया है। अब इसे हम अच्छे से देसी घी में फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा खीर का मसाला रेडी हो चुका है, अब चलते फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे घी में फ्राई हो रहा है, तो खारीक फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अच्छे से फ्राई करके लिया है क्रिस्पी होने तक। यहाँ पे देखिए पूरे ड्राई फ्रूट अच्छे से फ्राई करके लेंगे। वैसे ही वो शीरकुरमा में ऐसे क्रंची लगता है खाने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा आती है। और हम घी में अच्छे से फ्राई करके लेना है, तो और बढ़िया टेस्ट आती है इससे। तो फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट्स को आप 1 वीक पहले भी ऐसे घी में फ्राई करके फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो, तो उससे अपना टाइम भी बचता है और झट से वो भी जाता है। तो ईद के समय पे ये नहीं होता, फ्राई नहीं होती है, या तो फिर काम एक्स्ट्रा का नहीं पड़ता है, आसान हो जाता है।
चुके हैं। A few moments later. Hi friends, तो अभी हम निकल रहे हैं ईद का शॉपिंग करने के लिए, तो फिर देखते हैं अभी अरमान अनिसा और अरमान के पापा को कुर्ता लेना है, क्या पसंद आता है। तो फिर दिमाग में तो चल रहा है लखनवी लेने का, बट देखते हैं अभी वहाँ पे मिलता है कि नहीं। तो फिर चलिए, फिर मैं आपको लेके चलती हूँ मूलचंद फैक्ट्री में। Few inches later. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जाके आ गए शॉपिंग करके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मूलचंद में से हमने लखनवी कुर्ते लाए हैं, तीनों को सेम लाए हैं, और यही हम रिसेप्शन में भी डालेंगे। इधर देखिए, ये देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तीन भाई लोग कल ईद के लिए तैयार हो गए, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए सेम ही कलर है, और लखनवी कुर्ता बीच में कितना चमक रहा है, एकदम मस्त लग रहे हैं। ये देखिए यही कल ईद के लिए डालेंगे, और रिसेप्शन के लिए भी यही डालेंगे, और रात में और थोड़ा सा चमकेंगे, वो तीनों पे भी जच रहे हैं। The next morning. तो फ्रेंड्स यहाँ पे खीर की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दूध डाल ले डेग में, तो थोड़ी ही बना रहे थे, थोड़ा ही दूध है, डेग बहुत ही ज्यादा बड़ा है। फ्रेंड्स यहाँ पे सेवई भूनना बाकी है, तो मैं सेवई भून रही हूँ वहाँ पे। आप देख सकते हो दूध अच्छे से बॉयल हो चुका है, तो अभी देसी घी में हम सेवई भूनते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दूध बॉयल हो चुका है अच्छे से, अब हम इसमें डालेंगे चीनी। और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी को हमें अच्छे से गलाना है ताकि उसके दूध के अंदर अच्छे से घुल जाए। तो फ्रेंड्स चलिए इसे चलाते हुए हमें अच्छे से मिक्स करना है। आपको तो पता ही है प्रोसेस, क्योंकि मेरे एटलीस्ट चैनल पे दो तीन या चार शीरकुरमे की रेसिपी है, और मैं हमेशा ब्लॉग में भी आपको पूरी रेसिपी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे चलिए हम फटाफट से शीरकुरमा बनाते हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, गर्म भी हो रहा है। तो यहाँ पे हमें चीनी पिघल ली है अच्छे से, a few moments later. few inches later. तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है वेज बिरयानी, यहाँ पे शीरकुरमा, जो यहाँ पे मटन बिरयानी और सालन, तो रेडी हो चुके हैं यहाँ पे। और अभी नमाज है, तो नमाज़ पढ़ के हम सेलिब्रेशन करेंगे ईद का। तो फिर आप सबको ईद मुबारक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बिरयानी बनाई है, मटन वाली बिरयानी,
ये देखिए कलीजा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और यहाँ पे मेरा फेवरेट ईद का शिरकुरमा, ये देखिए कलर देखिए कितना बढ़िया आया है। तो यहाँ पे चलिए फिर मस्त मस्त बिरयानी और हमारा माशाल्लाह बना हुआ शिरकुरमा एंजॉय करते हैं। और आप सबको भी ईद मुबारक। और ये ब्लॉग आपको कैसे लगा ईद का तो मुझे आप कमेंट के द्वारा शेयर करें। तब तक के अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।